नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं को जो परेशानियां अपने दावा प्रस्तुत करने में आ रही हैं, इस संबंध में मैंने निरंतर ही समस्या को लेकर, चाहे सहयोग मंत्रालय हो, चाहे कृषि कल्याण मंत्रालय हो अथवा कॉरपोरेट मंत्रालय हो, मैंने पत्राचार किया है ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन सभी के जवाब से मुझे यह लगा कि इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिया वह यह दिया कि भाई इस संबंध में है जो आप गृह मंत्रालय संपर्क करो। उन्होंने ये लिख के दिया कि भाई ये पोर्टल है जो माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा 18 जुलाई 2023 को है जो यह पोर्टल लॉन्च किया गया था, और लिंक दे दी कि इस पर आप दावा प्रस्तुत करें। ऐसा लगा कि मेरी शिकायत को पढ़ा ही नहीं भाई, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम लिंक जो दी है उस पर लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने में जो परेशानी हो रही है उस संबंध में मैंने उनसे प्रश्न किया था और उनको उसका उत्तर देना था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा नहीं और एक व्यक्ति बैठारे हुए हैं, और जो कहना चाहिए अवर सचिव हैं, ये तीनों चीज़ें देख रहे हैं। ये हैं जो चाहे सहयोग मंत्रालय हो और चाहे कृषि एवं कल्याण हो और चाहे गृह मंत्रालय, ये जो शिकायत हम लोग पहुँचाते हैं, ऑनलाइन ग्रीवनेस डालती है, इन्हीं के पास में जाती है और यही जवाब देती है। और एक सोचने की बात और है कि ये जवाब देते हैं कि आप गृह मंत्रालय संपर्क करो। तब मैंने सोचा ठीक है भाई, गृह मंत्री जी से पूछते हैं कि भाई उनका इस संबंध में क्या कहना है। तो मैंने उनको एक पत्र भी लिखा, ये पत्र था, मैंने उन्हें पत्र भी पहुंचाया, और ये पत्र है जो 18 अगस्त 2023 को है जो ऑनलाइन है जो पहुंचाया था, जो माई ग्रीवनेंस ऐप से उसके माध्यम से मैंने PDF अटैच की और यह समस्याएं लिखी, और उसमें मैंने 8 समस्याएं लिखी थी। पहली समस्या सर्वर के विषय में थी, जो कभी अभी भी मौजूद है, ऐसा नहीं कि कुछ कभी चलती है तो कभी है जो एक दो दिन हफ्ते में बंद ही रहती, सभी को पता है कोई काम नहीं होता, बाकी दिन अब चलने लगी है। दूसरी समस्या थी टोल फ्री नंबर को लेकर, जो आज भी समाधान नहीं हुई है क्योंकि फ़ोन कोई उठाता ही नहीं। और तीसरी समस्या मैंने लिखी थी कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं के जो पंजीकरण के बाद है जो लॉगिन में जो समस्या हो रही है, आधार डाल रहे तो लिखा रहा है कि यह पहले से उपयोग है। चौथी समस्या जमाकर्ताओं की जो दावा विवरण का जो कॉलम वह खाली आ रहा है तो उसमें क्या जानकारी भरें। पाँचवीं समस्या लिखी थी कि यदि जमाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है तो नामनी किस प्रकार भुगतान लें। छठवीं समस्या, यदि कुछ जमाकर्ताओं के नाम में त्रुटि है तो उसका संशोधन का क्या उपाय है, क्योंकि महिला वर्ग है, शादी के पहले कुछ और नाम था जब खाता खुला था और शादी के बाद कुछ और हो गया, तो उसका समाधान बताइए। सातवीं समस्या मैंने लिखी थी कि यदि आवेदन में कुछ त्रुटि हो गई है तो उसका समाधान किस प्रकार होगा, जिसका अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि वो अंडर प्रोसेस भी आ रहा है और इसमें मैसेज आ रहा है अपने मोबाइल नंबर पर कि भाई इसमें है जो कुछ त्रुटि है उसको ठीक कर लेना। तो भाई वो तो समझ में आता है कि हम उसको 30 दिन बाद ठीक भी कर लेंगे या पोर्टल पर जब भी अपडेट होगा तब हम ठीक कर लेंगे। और आठवीं समस्या ये भी थी कि कुछ जमाकर्ताओं के आज भी आधे अधूरे आवेदन फंसे हुए हैं जो आगे बढ़ ही नहीं रहे, लेकिन वहाँ से कोई मुझे संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। बस एक ही जवाब एक ही व्यक्ति द्वारा यह दिया गया कि आप ये है जो पोर्टल पर लिंक दिए इस पर अप्लाई करो, जबकि उनका कर्तव्य है या वैधानिक दायित्व है कि यदि हम लोग कोई समस्या रखते हैं तो उसका समाधान करना, उसका समाधान का रास्ता क्या है वह बदलाना। मैंने इस पर अपील भी डाली, 1908 को अपील भी डाली,
तुरंत ही इनका रिप्लाई भी आ गया 18 तारीख को ये ग्रीवेंस डाला। ऐसा लगा कि इन्होंने वह आवेदन पढ़ा नहीं, एक पहले से ही फॉर्मेट बना के रखी है कि वही इनको कॉपी करके पेस्ट कर देना है, कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं, क्या समस्या ये जाने उनका काम जाने। 1960 में मैंने अपील भी की, उसका भी जवाब दे दिया और अपील में भी यही कुछ नहीं जो कहते हो। मैंने इसलिए रखा था कि यह शिकायत का मेरा उद्देश्य ही था कि भाई मैंने 19 वर्षों तक सहारा इंडिया में काम किया है और विगत हाई कोर्ट से लेके चाहे जिला सिविल हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अदरवाइज बहुत सी कानून प्रक्रियाओं से गुजरा हूँ और गुजर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कि भाई यदि हमारे क्षेत्र का यदि कोई जमा करता रह जाता है तो मैं ये है जो माननीय आगे चल के हम लोग मान के चलो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो ये साक्ष्य एविडेंस उनके समक्ष रख सकूं और बता सकूं कि भाई मैंने ये समस्याएं थी और इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, इस कारण ये हमारे जमाकर्ता का भुगतान नहीं हो पाया। तो मैं ये सार्वजनिक समस्याएं थी ये उनके समक्ष रखी और इसमें एक बात निकल के जरूर सामने आई कि इस पर एक है जो मेल आईडी दी गई है, क्योंकि माई ग्रीवनेंस ऐप्स भी है जो शिकायत के बाद मैंने देखा तो उसमें भी त्रुटि आना शुरू हो गया है, काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये तो वही जाने या मनाने वाली टीम जाने, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसमें एक मेल आईडी दी है USCOOPAN@gov.in। इस पर है जो भी आपकी समस्या है आप मेल के माध्यम से उन तक अवश्य पहुँचाएँ। कल के दिन यह ना हो सके कि भाई पोर्टल बनाया था, दिसंबर तक का समय दिया था, अब आपने अप्लाई नहीं किया तो आप जमाकर्ता की गलती। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेल अवश्य करें, जो भी आपके जमाकर्ताओं की समस्या को लेकर जो भी समस्या उस पर लिखें कि भाई ये समस्या है, लॉगिन नहीं हो पा रहा या जो कुछ भी, वो मेल है जो उनका रिप्लाई किया आता है उसकी स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्यों आगे चल के यदि वैधानिक परिवेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम लोगों को यह भुगतान की प्रक्रिया को रखना पड़ा, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो आदेश बहुत पहले कर दिया था कि भाई इनका पेमेंट कराओ, लेकिन सभी को पता है ना सहारा ने पैसा दिया और उसके उपरांत में सीआरसीएस को भी बाध्य किया तो सीआरसीएस ने भी कुछ नहीं किया, लेटर पहुंचा दिया कि हमने अवगत करा दिया है और जब उस पर कंटेम्प्ट भी लगाया तो कंटेम्प्ट में भी उन्होंने जवाब ये दिया कि पोर्टल बनाया गया है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। तब मैंने उनसे पूछा भैया क्यू साहब और कॉमर्शियल और भी डिवीज़नों के पैसे उसका क्या होगा, तो उनने उस कंटेम्प्ट के माध्यम से बताया कि भाई जो और डिवीज़न उनको अवगत करा दिया गया है, तो दिसंबर के बाद हो सकता है कि हम लोग को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी यह समस्या रखनी पड़े। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी सही और प्रमाणित जानकारी है वही देता हूँ, झूठी अपवाह फैलाना ये वो फलाना ढिकाना ये सब मैं नहीं करता। जो मेरे नेचर को जानते हैं, मेरे क्षेत्रवासी हैं, वह जानते हैं कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ प्रमाणित देता हूँ, झूठ नहीं देता हूँ। और यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके काम की है तो आप हमारे चैनल की सदस्यता लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, यही कहूँगा। आगे आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत।